कली की बातें घर में पहुंचा कोई नहीं था, तो मैंने जाके किचन में सालन गरम किया खा लिया। हमने इस ट्रेंड को एक्सेप्ट किया है। उसके बाद एडिक्शन होगी, हमारा मोशन का आदि हो गया। जैसी आपकी सोसाइटी होगी उसके रिफ्लेक्शन हर जगह नजर आएंगे। सादा में जो बेचैनी पाई जाती है उसको खत्म किया जा सकता है। मैं कोई सियासी लीडर नहीं हूँ कि जो भी चाहूँ कह दूँ। जनरली लोगों में माइंड सेट जो आपका टीवी स्टूडियो बनवाया था उसका बुनियादी मकसद ही ये था। मैं चाहती हूँ कि किसी फिल्म में अंधी लड़की का किरदार अदा करूँ। बुझ गई है जिंदगी की बत्तियाँ शादी के बाद। मैंने तो कभी लड़कियों को देखा ही नहीं है। ये दुरुस्त नहीं है। देखना एक आसरा जरूरी है, इसलिए भी खुदा जरूरी है। वही एक शादी है जो अब तक चल रही है। आप देख रहे हैं शोभा बलागह अम्मा की एक रोज़ा खसूसी ट्रांसमिशन। हम अपने तालिबों को अमली तरबियत दें, क्योंकि अमली तरबियत बेहतर ज़रूरी है। उर्दू कॉलेज नहीं रहा, अब ये उर्दू यूनिवर्सिटी बन गया। टीवी स्टूडियो बनवाया था उसका बुनियादी मकसद ही ये था कि तालिबों को एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाए। उसके बाद हमने डिमांड करना शुरू कर दी कि इसके अंदर टीवी स्टूडियो होना चाहिए और एफएम रेडियो होना चाहिए। और रहा ये दोनों यूनिवर्सिटीज, दोनों मेरी अपनी यूनिवर्सिटीज हैं। हम तो ले गए थे 15 लाख का एस्टीमेट और वो मुकम्मल हुआ 40 लाख का। मेरा नाम है मुशर्रफ अल्लाह खान। आपको बचपन से शौक था सहाबी बनने? बिल्कुल नहीं बनना चाहता था। जर्नलिज्म में आना मेरा कोई ख्वाब नहीं था, लेकिन मैं भी एक्सीडेंशली आई हूँ। मैं सहाबी बिल्कुल नहीं बनना चाहता। जब मैंने ये बताया अपने मामू को कि मैंने सहाफत में दाखिला ले लिया है, तो उन्होंने कहा सहाफी बन के आप क्या कर लेंगे? अशरफ खान साहब, कभी भी नहीं सोचा था जिंदगी में कि मैं सहाफी बनूंगा। कली की बातें घर में पहुंचा कोई नहीं था, तो मैंने जाके किचन में सालन गरम किया खा लिया। हमने इस ट्रेंड को एक्सेप्ट किया है। उसके बाद एडिक्शन होगी, हमारा मोशन का आदि हो गया। जैसी आपकी सोसाइटी होगी उसके रिफ्लेक्शन हर जगह नजर आएंगे। सादा में जो बेचैनी पाई जाती है उसको खत्म किया जा सकता है। मैं कोई सियासी लीडर नहीं हूँ कि जो भी चाहूँ कह दूँ। जनरली लोगों में माइंड सेट जो आपका टीवी स्टूडियो बनवाया था उसका बुनियादी मकसद ही ये था। मैं चाहती हूँ कि किसी फिल्म में अंधी लड़की का किरदार अदा करूँ। बुझ गई है जिंदगी की बत्तियाँ शादी के बाद। मैंने तो कभी लड़कियों को देखा ही नहीं है। ये दुरुस्त नहीं है। देखना एक आसरा जरूरी है, इसलिए भी खुदा जरूरी है। वही एक शादी है जो अब तक चल रही है। मैं हूँ आयुष खान। मैं हूँ आपका होस्ट बिलाल हैदर। कौन सी चीज जो है जरूरी लगती है सुबह सुबह उठने? सुबह सुबह उठने ही जरूरी है, एक लगता है। यूनिवर्सिटी का कितना बड़ा किरदार है? जो कुछ किरदार है वो यूनिवर्सिटी का ही है। हमारी हुकूमतों की अव्वलीन तरजीहात तालीम से बदल के दूसरी चीज़ों पर चली गई। वाइस चांसलर बैठा हुआ पॉलिश करता है, कोई शर्म की बात नहीं। मैडम कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आपने कैंपस को पॉलिटिसाइज कर दिया, असातिज़ा को डिवाइड करती है। टीचर्स डिवाइड नहीं है, ये जमहूरियत का हुस्न है। हमने 2015 में प्लान किया है कि हम 10 बच्चे पढ़ते हैं। अगर आप गुनगुनाते तो ये एक ज़माने में बाथरूम में ये शौक पूरा करते थे। ये ज़िंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया। कली की बातें घर में पहुंचा कोई नहीं था, तो मैंने जाके किचन में सालन गरम किया खा लिया। हमने इस ट्रेंड को एक्सेप्ट किया है। उसके बाद एडिक्शन होगी, हमारा मोशन का आदि हो गया। जैसी आपकी सोसाइटी होगी उसके रिफ्लेक्शन हर जगह नजर आएंगे। सादा में जो बेचैनी पाई जाती है उसको खत्म किया जा सकता है। मैं कोई सियासी लीडर नहीं हूँ कि जो भी चाहूँ कह दूँ। जनरली लोगों में माइंड सेट जो आपका टीवी स्टूडियो बनवाया था उसका बुनियादी मकसद ही ये था। मैं चाहती हूँ कि किसी फिल्म में अंधी लड़की का किरदार अदा करूँ। बुझ गई है जिंदगी की बत्तियाँ शादी के बाद। मैंने तो कभी लड़कियों को देखा ही नहीं है। ये दुरुस्त नहीं है। देखना एक आसरा जरूरी है, इसलिए भी खुदा जरूरी है। वही एक शादी है जो अब तक चल रही है।
सियासियात और माशियात को हम इंटर लेवल से पढ़ रहे होते हैं तो इबलाग अम्मा को हम इंटर लेवल से क्यों नहीं तालिब इल्मों को पढ़ाते? अगर निसाब जो है पाकिस्तान की पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ का वो बहुत पसमानदा है, वो एक कंजर्वेटिव थिंकिंग को डेवलप करता है और एक जुनूनियत को डेवलप करता है। इस सब्जेक्ट को उस तरह ट्रीट अभी भी नहीं किया जा रहा है। लिटरेचर को पढ़ने का तरीका क्या है, ट्रेजडी को आप किस तरह पढ़ेंगे, कॉमेडी को किस तरह पढ़ेंगे, शायरी की क्या खूबियाँ हैं, तो वहाँ से उसकी तालीम शुरू होती है जिसे हम समझते हैं कि तालीम मुकम्मल हो गई है। अगर कोई प्रोफेशनल आदमी बैठा भी है तो वो इतना पाबंद है कि वो उससे हट नहीं सकता, क्योंकि हट के वो अपना प्रोफेशनलिज्म वहाँ लाना चाहेगा तो उसको 2-3 महीने बाद बाहर कर दिया जाएगा। निशानदही सब कर रहे हैं, हल कोई पेश नहीं। जब मैं बात कर रहा हूँ और मैं टेलीविज़न पे बैठ के बात कर रहा हूँ तो मेरी महदूद ऑडियंस नहीं है, करोड़ों लोग मुझे सुन रहे हैं। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, महद से लहद तक इंसान की अगर वाबस्तगी है तो वो इबलाग से। यारो मुझे मुआफ करो, आएंगी ये रात कभी जी में आता है तेरे नाम में सर छुपा के हम रोते रहे लाख।